और इसी बीच एक बड़ी खबर है, कांग्रेस में संगठनात्मक नियुक्तियां हुई है, कांग्रेस सेवा दल के जिलाध्यक्षों की नियुक्ति हो गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई है जहां पर कांग्रेस में संगठनात्मक नियुक्तियों का दौर शुरू हो चुका है। कांग्रेस सेवा दल उसमें जिलाध्यक्षों की नियुक्ति कर दी गई है। तो कांग्रेस सेवा दल में संगठनों जो संगठन है, कांग्रेस सेवा दल, कांग्रेस पार्टी के अग्रिम संगठन है कांग्रेस सेवा दल, उसमें जिलाध्यक्षों की नियुक्ति हुई है। तो कांग्रेस सेवा दल में जिलाध्यक्षों की नियुक्ति हो गई है और ज्यादा जानकारी के साथ में हमारे साथ में हमारे सहयोगी शशिमोहन शर्मा जुड़ गए हैं। शशि, आपसे जानना चाहेंगे संगठन के लिहाज से लगभग 39 से 40 जिले कांग्रेस के अंदर है, तो लगभग कितने जिलाध्यक्षों की नियुक्ति यहाँ पर कांग्रेस ने कर ली है सेवा दल में? देखिए दीपक, सेवा दल ने जो संगठन के नए जिले हैं उनकी भी नियुक्ति कर दी है, 58 जिलाध्यक्षों की नियुक्ति हुई है और ये नियुक्तियां दिल्ली से सहमति के बाद में हुई है। सबसे बड़ी बात ये कि सेवा दल ने इस नियुक्तियों में बढ़त हासिल की है मुख्य संगठन के मुकाबले। सेवा दल ने इसमें जिलों के अध्यक्ष बना दिए हैं और संगठन के अध्यक्ष लालजी देसाई आने वाले दिनों में कल ही सेवा दल की बैठक भी लेंगे। लालजी देसाई जयपुर आ रहे हैं और पिछले दिनों आपको ध्यान होगा 2020 में हेम सिंह को ये जिम्मेदारी मिली थी, हेम सिंह शेखावत को सेवा दल के अध्यक्ष की, और ये जिम्मेदारी इस नाते मिली थी कि तत्कालीन सेवा दल के अध्यक्ष जो थे जी, जो विधायक भी हैं राजेंद्र पारीक मसूदा से, वो दिल्ली चले गए थे, पार्टी के विधायक दल की बैठक में नहीं आए थे और उसके बाद उनकी बर्खास्तगी की गई थी सेवा दल के अध्यक्ष पद से। अब संगठन को मजबूती देने के लिए कांग्रेस एकजुटता दिखा रही है और इसी कड़ी में कांग्रेस सेवा दल ने जिलाध्यक्षों की नियुक्ति का ऐलान कर दिया है। ये सभी जिलाध्यक्ष कल जयपुर आ रहे हैं और इनके कामकाज को निर्देशित करने के लिए राष्ट्रीय मुख्य संगठक बैठक लेंगे। खास बात ये कि संगठन का अहम हिस्सा माना जाता है सेवा दल, लेकिन पिछले कुछ समय हमने देखा है कि सेवा दल को सिर्फ और सिर्फ एक सेवा का जरिया करने वाला या सेवा के लिए जो समर्पित है वही समझा जाने लगा है। इनको टिकट में भागीदारी नहीं है और ये इनकी पीड़ा भी है। इसी पीड़ा को कई बार सेवा दल के लोग जगह जगह पर जाहिर भी कर चुके हैं। आप देखिए कि नगर निगम के जो जयपुर ग्रेटर और हेरिटेज के अलग अलग हिस्से हैं उसके हिसाब से भी अलग अलग नियुक्तियां की गई हैं। जयपुर ग्रेटर में दिनेश चौधरी को बनाया है, जयपुर हेरिटेज में जाकिर बुलंद को जिलाध्यक्ष बनाया गया है, जिले का ऑर्गेनाइजर यहाँ कहा जाता है। इसी के साथ में जयपुर देहात उत्तर में लल्लू राम को जिम्मेदारी दी गई है, जयपुर देहात दक्षिण में विजेंद्र शर्मा को जिम्मेदारी दी है, दूदू में इकबाल अहमद। आप देखिए दूदू में नियुक्ति होने से जो समझ में आ जा रहा है कि नए जिलों का जो प्रशासनिक जिले सरकार ने बनाए उसी हिसाब से भी नियुक्ति कर दी गई है। सीकर में नरेंद्र बाटड़, दौसा गोपाल सैनी, हारून रशीद झुंझुनू, अलवर में योगेश मीणा, प्रभुदयाल मेघवाल को खैरसल में जिम्मेदारी दी है, रमाकांत दादीज को केकड़ी में जिम्मेदारी दी है, देशराज मेहरा को अजमेर शहर की जिम्मेदारी दी है, पुराने कांग्रेसी हैं देशराज, और जो जयपाल परिवार है उसके लॉयलिस्ट माने जाते हैं। साथ में ही खुमाराम झाजड़ा को नागौर की जिम्मेदारी दी गई है, जय शंकर चौधरी को अजमेर ग्रामीण, गणेश कड़वा को डीडवाना कुचामन की जिम्मेदारी दी है, विक्रम सोनी को ब्यावर, योगेश सोनी को भीलवाड़ा, घनश्याम शर्मा को शाहपुरा, इसमें नाम घनश्याम लिखा हुआ है लेकिन ये संभवतः घनश्याम नाम होना चाहिए, महावीर प्रसाद सैनी को नीम का थाना, रघुवीर सिंह यादव को कोटपुतली बैरोड की जिम्मेदारी दी गई है। इसके साथ में अन्य नाम भी इन्होंने जारी कर दिए हैं। जी दीपक। शशि, मतलब मान लिया जाए, जिस तरीके का आपने जिक्र भी किया कि मुख्य संगठन से पहले यहाँ पर लिस्ट भी जारी कर दी गई और कल बैठक लेने भी जो लालजी देसाई है वो आ रहे हैं, तो ऐसे में मुख्य संगठन से पहले चुनावी रणनीति तैयार करने में और चुनाव में जीत हासिल करने की कवायद में यहाँ पर सेवा दल जुटता हुआ नजर आ जाएगा? देखिए सेवा दल जुटता हुआ नजर आ जाएगा और सेवा दल अहम कड़ी भी है, लेकिन सवाल यह है कि क्या सेवा दल को सिर्फ सेवा तक ही सीमित रखा जाएगा या टिकट में भागीदारी दी जाएगी, यह बड़ा सवाल उठता है। क्योंकि पिछली बार ये सही है कि राजेंद्र पारीक को टिकट दिया गया, राकेश पारीक को, लेकिन
उससे पहले सुरेश चौधरी जो लंबे समय तक सेवा दल के प्रदेश मुख्य संगठक रहे वो टिकट का इंतजार करते रहे, नवलगढ़ से टिकट की दावेदारी करते रहे, लेकिन उनको टिकट के लिए कंसीडर नहीं किया जाता रहा। और जिलों के स्तर पर भी ऐसे मामले आते हैं जब सेवा दल दावेदारी करता है निकाय चुनाव में, पंचायती राज के चुनाव में, लेकिन उनकी अनदेखी कई बार होती है और इस पीड़ा को समय समय पर सेवा दल के लोग जाहिर भी कर चुके हैं। लेकिन उम्मीद की जानी चाहिए, जब लालजी देसाई आ रहे हैं, संगठन नई स्ट्रेटजी के ऊपर चल रहा है, कुछ टिकट भी बदलना चाहती है पार्टी, तो उम्मीद है कि नए चेहरों को पार्टी आगे लेकर के आएगी और कल की बैठक में और आगे की रणनीति तय होगी कि किस तरह सेवा दल को सरकार की तरफ से किए जा रहे काम, सरकार की योजनाओं को आगे बढ़ाना है। जी दीपक, बिल्कुल। तो आपको बता दें कि 58 जिलाध्यक्षों की नियुक्ति यहाँ पर कांग्रेस सेवा दल ने कर दी है। जैसे हमारे सहयोगी शशिमोल लगातार जानकारी दे रहे हैं, दिनेश चौधरी को जयपुर ग्रेटर की जिम्मेदारी, जाकिर को जयपुर हेरिटेज का यहाँ पर अध्यक्ष बनाया गया है। और कुल मिलाकर यहाँ पर जो सेवा दल है उसने एक बड़ी बढ़त यहाँ पर हासिल की है, वो इसलिए क्योंकि 58 जिलों के जिलाध्यक्ष यहाँ पर बना दिए गए हैं। इस बात को यहाँ पर समझने की जरूरत है क्योंकि संगठन के लिहाज से जितने जिले यहाँ पर थे उससे ज्यादा जिलाध्यक्ष यहाँ पर बनाए गए, क्योंकि पिछले दिनों यहाँ पर सरकार ने नए जिलों की घोषणा भी की थी और उस लिहाज से भी यहाँ पर नए जो जिले बनाए गए, चाहे वो दूदू हो, चाहे से वो केकड़ी हो, चाहे नीम का थाना हो, इन तमाम जगहों पर भी नए जिलाध्यक्षों की नियुक्ति कांग्रेस सेवा दल ने कर दी है। राजस्थान में विधानसभा के चुनाव अगले कुछ महीने बाद में होने, लगभग 4 से 4.5 महीने बाद में, और उससे ठीक पहले इन जिलाध्यक्षों की भूमिका काफी अहम हो जाती है सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाने में, साथ में जो संगठन है उसको मजबूत करने में, क्योंकि सेवा दल की एक अपनी अलग भूमिका होती है। जैसा हमारे सहयोगी शशिमोहन भी लगातार जानकारी में बता रहे हैं कि सेवा दल संगठन के प्रति सेवा का काम भी लगातार करता आया है और ऐसे में उसकी जिम्मेदारी भी ज़्यादा होती है, उससे उम्मीदें भी काफ़ी संगठन को ज़्यादा होती है और समय समय पर जो तमाम नेता चाहे मुख्यमंत्री भी हों वो भी सेवा दल की तारीफ समय समय पर करते हुए नजर आते हैं। शशि भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शशि, आपसे जानना चाहेंगे कि मतलब जिस तरीके से सेवा दल की जब यदि लिस्ट आ चुकी तो आने वाले समय में माना जाए कि अब जल्दी जो मुख्य संगठन है उसकी भी लिस्ट आने की तैयारी होगी। दीपक, जो हमारी जानकारी कहती है उसके मुताबिक पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और सुखजिंदर रंधावा ने पूरी एक्सरसाइज करके एक लिस्ट दे दी है। केसी वेणुगोपाल जो संगठन के राष्ट्रीय महासचिव है उनको लिस्ट सौंप दी है। हालांकि कुछ जिलों में अभी भी गतिरोध है, लेकिन संभावना इसी बात की जताई जा रही थी कि वो लिस्ट कभी भी आ सकती है। उस लिस्ट को आज भी उसका इंतजार हो रहा था, लेकिन दरअसल राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस में जो घटनाक्रम हुआ है और जिस तरीके से एनडीए सरकार को घेरने के लिए कांग्रेस की जो कम्युनिकेशन सेल की टीम लगातार जुटी हुई है उसको लेकर के संभवतः राहुल गांधी के जो याचिका थी गुजरात हाई कोर्ट में वो खारिज कर दी गई। इन सब को लेकर के कांग्रेस की जो रणनीति है उसके चलते शायद इस लिस्ट में देरी हो रही है। अब ये परसों एक मौन व्रत किया है, एक मौन धरना रहेगा कांग्रेस का। उम्मीद की जानी चाहिए कि उसके तत्काल बाद तक ये लिस्ट आ जानी चाहिए, क्योंकि उस मौन धरने में संख्या बल भी जुटाना होगा कांग्रेस को। कांग्रेस की कोशिश रहेगी कि सभी जो कैंप हैं उनके लोग, उनसे जुड़े हुए लोग जो जिलाध्यक्ष के दावेदार थे वो इस कार्यक्रम में पहुंचे। इसलिए हो सकता है रणनीतिक रूप से रोकी हुई, बाकी लिस्ट कांग्रेस के पास में तैयार बताई जा रही है। जी दीपक। शशि, एक बात और कि अभी गजट नोटिफिकेशन भी नए जिलों का जारी नहीं हुआ है, उससे ठीक पहले सेवादल यहाँ पर जो अपने नए जिले जो सरकार ने घोषित किए हैं, घोषणा जिनकी की है उनका ही उनके जिलाध्यक्षों की घोषणा भी कर दी, तो ऐसे में इसको किस नजरिए से देखा जाए? दीपक, गजट नोटिफिकेशन जारी होना एक तकनीकी पहलू है, लेकिन आप देखिए जो बजट में सरकार ने नए जिलों की घोषणा की जी, वो बजट का हिस्सा है। बजट एक फाइनेंस बिल है और वो फाइनेंस बिल सरकार सदन में पारित करा चुकी है, यानी कानूनी रूप से जमा पहनाया जा चुका है जिलों की घोषणा को। अब तकनीकी पहलू यह है कि अगर जयपुर उत्तर, दक्षिण और जोधपुर पूर्व पश्चिम नहीं हो रहे हैं और उन जिलों को इसी तरीके से रखा जाएगा तो विधानसभा में उसमें के लिए संशोधन पेश कर दिया जाएगा। लेकिन प्रैक्टिकल चीज यह है कि ये जिले तो बने हुए ही हैं। अब पहले आपने जिलों की घोषणा कर दीजिए और फिर उसके बाद में चलिए जिलों की अतिरिक्त घोषणा कीजिए, तो समय